40 शब्दों को 40 सतहों को अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में सुरक्षित रखा। अगर ये पवित्र ग्रंथ ना लिखा जाता तो आज रविदास का नाम तक हमको नहीं मिल पाता। और अगर दिल्ली में, क्योंकि यहाँ रविदास का नाम आया, उससे पहले दिल्ली में आया, पंजाब से पहले भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से रविदास जी का नाम दिल्ली में आया। दिल्ली वालों से बाबा साहब ने पूछा था, तुम बताओ हमने ये दिल्ली का जो इतिहास है कुछ अंश हुए प्रसंग उसमें लिखा है। बाबा साहब ने दिल्ली वालों से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा आराध्य कौन है, तुम किसकी पूजा करते हो। तो उन्होंने बड़े अजीब अजीब सवाल दिए, जवाब दिए। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, किसी ने कहा जी शिव जी जी हमारे लगे। कहले शिव जी तो ठीक है, शिव जी जी का क्या मतलब है। किसी ने कहा जी हमें तो हनुमान जी हमारे लगे हैं, उसका रंग रूप ऐसा है हमारे मंदारियों की तरह रहवे। कहले और बताओ, नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा कि तुमने रैदास का नाम सुना, असली नाम उनका रैदास है, रविदास तो संस्कृत वालों ने बनाया है। तुमने क्या रैदास का नाम सुना। कहला नहीं बाबा हम तो नहीं जानते। कहला जाओ चांदनी चौक के गुरुद्वारा शीशगंज में और वहां पर जो सिखों की बड़ी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उनसे पूछना, उसमें संत रैदास के 40 शब्द लिखे हुए हैं। जब वो लोग वहां गए, कुछ पंजाबियों के माध्यम से जो नौकरी करने के दिल्ली में रहते थे, तो उनको पता चला कि कोई हमारा गौरव पुरखा हमसे ही अनजान है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आप पर हमारी जान कुर्बान है कि आपके कारण हमारा खोया हुआ पुरखा हमें मिल गया। ये बड़ी युगांतरकारी घटना थी। आज स्थिति बड़ी भयंकर है। भयंकर क्या है, आज इस देश के शासक लोग औलादों के माध्यम से उनके माँ बाप को जूते लगवा रहे हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास खतरे में हैं। इनकी पहचान इनके मानने वाले अनाड़ी शिष्यों के कारण इनका गौरव खतरे में है। कारण यह है कि मनुस्मृति में साफ लिखा है, क्या लिखा है कि शूद्र साधु संतों को गैरुआ वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं, ये लिखा है। और हमारे महान संत गुरु शिरोमणि गुरु रैदास के शिष्य क्या करते हैं, अपने गुरु का जब चित्र बनाते हैं तो उनको रंग बिरंगे कपड़ों में बनाते हैं। देखना कितनी सारी पोस्ट आज आई हुई हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, किसी में नीला पटका है तो किसी में ऑरेंज पटका है तो किसी में जामनी, किसी में बैंगनी। क्या है ये तमाशा। ये लोग जो अपने आप को हम गुरु साहब का शिष्य कहते हैं, वास्तव में वो मनुस्मृति के आदेश को लागू कर रहे हैं। आओ हम एक संकल्प लें, अपने घर में अपने संत का, अपने महापुरुष का चित्र लगाएंगे तो उसे काषाय वस्त्र में लगाएंगे, उसे काषाय वस्त्र वाला चित्र लगाएंगे। सम्यक प्रकाशन ने जितने भी चित्र उनके बनाए हैं वो सारे के सारे काषाय वस्त्र में हैं। और साथ एक बात याद रखना, महापुरुष आते हैं और चले जाते हैं, जीवित कौन रहते हैं, जिनके शिष्य योग्य होते हैं, जिनके अनुयायी योग्य होते हैं। हमारे रैदास साहब को योग्य शिष्य नहीं मिले। जो उनको शिष्य मिले उनकी विरासत को खराब करने वाले मिले। उन्होंने पहले क्या किया, जिस जाति से संबंध रखते थे उसकी समकक्ष दूसरी जातियों में उनकी जाति को, यानी कि चमार जाति को खूब बदनाम किया, जैसे आज भी करते हैं ना। जो नॉन चमार लोग हैं उनमें ये तरह तरह की सर पे टोपी जो रखते हैं अलग अलग रंग की, उनसे जाके कहते हैं अबे तुम्हारा सारा हक तो ये मार गए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला और फिर भी अकड़ रहे हैं। तो ये काम आज नहीं, संत साहब के समय में भी हुआ था, संत रैदास के समय में भी हुआ था। अब कोई कैमरा तो था नहीं, किसी ने हमारे रैदास जी का फोटो खींचा हो, ये तो मेरे जैसे चित्रकारों का कमाल है। जैसे चित्र बनाते हैं बन जाते हैं, जैसे बनवाते हैं वैसे बना दिए जाते हैं। तो उन्होंने एक चित्र बनाया, क्या जूती काट रहे हैं, चमड़ा काट रहे हैं, जूती बना रहे हैं,
इसका मतलब समझो वो इसलिए कि जो लोग इसकी जाति के नहीं है कहीं गलती से इसके शिष्य ना बन जाएं और जिस धंधे को पहले बदनाम किया हुआ है उसका स्मरण करके भाग जाएं। ये हमारे महापुरुषों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, रैदास के साथ ऐसा हुआ और कबीर साहब के साथ क्या हुआ कि वो तंतुवाय तान के खड्डी तान के कपड़ा बन रहे हैं। मगर तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, तुलसीदास जी सर पे बोधी बांध के लिखने पढ़ने में लगे हैं। ये षड्यंत्र समझना होगा। अपने महापुरुषों को पुराने कामों के साथ दिखाने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारे संत साहब के साथ उनके विशाल सिद्धांतों की अनदेखी करता है। आज समाज को जगाने का दायित्व बहुत अधिक है। ये जो हमारा संगठन है जिन्होंने आज ये कार्यक्रम सुंदर सा कार्यक्रम दिया, समता सैनिक दल है, भीम ज्ञान चर्चा है, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया है, इनका ही आज के समय में दायित्व ये बनता है कि बेशक भाषणबाजी के कार्यक्रम हो या ना हो मगर अपने समाज के घर जा जाकर वो सारा इतिहास हमें बताना है जिसकी वजह से हमारा पुराना गौरव वापस आ सके। ये काम सारे संगठन अपने अपने दम पर करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात गुरु रैदास के बारे में शायद कम लोग जानते हैं, पंजाब में एक भाषा है जिसे पंजाबी कहते हैं, उसकी जो लुपि है उसे गुरुमुखी कहते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन है कि उस लिपि का आविष्कार, उस भाषा का आविष्कार किसने किया, संत शिरोमणि गुरु रविदास ने किया। ये लिखित तथ्य बता रहा हूं, कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। तो वो जमाना ऐसा था जब कहते हैं नानक रैदास कबीरा तीन रूप और एक शरीरा, यानी कि तीन हैं देखने में मगर ये एक है। कारण क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है मानव कल्याण। ब्राह्मण से क्या झगड़ा है, ब्राह्मण कहता है ओनली एंड ओनली ब्राह्मण हिता है ब्राह्मण सुखा है। हमारे संतों ने कहा, बुद्ध ने कहा, मान्यवर कांशीराम ने कहा, अब बहन जी कहती हैं कि हम समतावादी हैं, हमारा तो एक ही नारा है वो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये जो तीन संत थे, तीन रूप और एक शरीरा, इन्होंने कहा हमें ब्राह्मण स्वीकार नहीं, हमें ब्राह्मणवाद स्वीकार नहीं, हम इनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इनकी लिपि का बहिष्कार करेंगे, हम इनको अपने घर में बुला के ना इनको सम्मान देंगे ना जेब से निकाल के अपने कमाया हुआ दान देंगे। ये उन्होंने जब संकल्प लिया तो उन्होंने ठान ली, लंगोटा बांध कर कसकर बैठ गए। गुरु रैदास जी ने गुरुमुखी लिपि और भाषा का आविष्कार किया और गुरु नानक ने क्या किया, गुरु नानक ने एक संगठन खड़ा किया, उसमें पांच प्यारे बनाए। पांच प्यारे क्यों बनाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी पांच ही परिवराजक सबसे पहले शिष्य बनाए थे और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने इस संगत में, जिसको हम संघ कहते हैं वो संगत कहते हैं, उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा। आज तक उनकी संगत में कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ये कोई कम छोटे काम नहीं है, बहुत महान कार्य है जो उन्होंने करके दिखाए थे। आज हमें अपने पुरखों की उनकी जयंती है और उनके बारे में मैं कुछ ना कहूं तो ये ठीक नहीं है। आज हमारा मन टूक टूक है, हमारा मन रो रहा है। कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्याएं हो गई। हम सब उनके प्रति सम्मान के साथ अपना सर झुकाते हैं मगर एक बात समझ में नहीं आती कि वो जितने भी सैनिक मरे हैं सारे के सारे दलित और पिछड़े हैं, एक भी उसमें सवर्ण नहीं है। ये अजीब इत्तफाक है, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो आप प्लीज एडवोकेट कहाँ गए, बाद में यहाँ तीन मिनट का मौन हम तीन मिनट का करते हैं, त्रिशरण का प्रतीक, उनके सम्मान में तीन मिनट का मौन जरूर कराना। तो ये जो आज का जमाना है भैया, हम ब्राह्मणवाद को खत्म करने निकले हैं ना भैया, कलाकारों और कार्यकर्ताओं सुन लो, हमें
इस गंदा कपड़ा जो ब्राह्मणवाद का है इसको धोना है तो कीचड़ से नहीं धो सकते, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, वो पवित्र शुद्ध साफ जल से धोया जाता है। तो इसलिए जो ब्राह्मणी भाषा के शब्द हैं उन्हें अपनी जबान पर कभी मत लाना। अरे महात्मा वो जो आत्मा में विश्वास करे, बुद्ध को महात्मा कहना गलत है तो अपने बाप ज्योति बापूले को भी महात्मा कहना अपराध है। उन्हें कहना है तो महामना कहिए। महामना का मतलब जिसका मन बड़ा है, जिसका हृदय उदार है, जो समतावादी है, जो किसी को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगता है, जो किसी पर अन्याय अत्याचार देखकर खुद भी पिघल जाता है, ऐसे व्यक्ति को महामना कहते हैं। जिसका मन बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका चिंतन विशाल हो, तो इसलिए आज से अपने महापुरुषों के लिए महात्मा शब्द का बहिष्कार घोषित किया जाए। हम अपने महापुरुषों को अच्छे अच्छे शब्दों से पुकारे। ब्राह्मणों से उधार लेके हमें अपना काम अब नहीं चलाना। अब हम बहुत संपन्न हो गए हैं, जो सम्यक प्रकाशन है, लोग समझते हैं कि ये किताब क्यों छाप रहा है। ज्यादातर तो लोग यही कहते हैं धंधेबाजी कर रहा है। अबे जब तुम्हें पता चल गया बहुत अच्छा धंधा तो करो भाई, मगर अनाड़ी है, अनजान है, अपने आंदोलन से परिचित नहीं है। एक बात सुन लो, हम हथियार उठाने की वकालत नहीं करते। हथियार उठाने का विरोध सबसे पहले बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने कहा युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। ये बुद्ध के समय की आवाज थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया उस पर उन्होंने हथियार उठाने को राष्ट्रद्रोह का मामला बताया। हम हथियार उठा नहीं सकते, हम तलवार उठा नहीं सकते, बंदूक उठा नहीं सकते। इस चीज की इजाजत ना बुद्ध देते हैं ना हमारा संविधान देता है। मगर भैया जब विचारों का युद्ध चल रहा हो, जब इस देश में विचारों का युद्ध चल रहा हो, तो किताब से ज्यादा हथियार कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, अपने संतों के विचार को किताब के रूप में जो हम छापते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अहिंसक हथियार है। इसलिए याद रखो, अपने समाज को अगर जितना जल्दी जगाना चाहते हो उतना जल्दी उनके बीच में किताब पहुंचाना सिखाओ। एक जो कलाकार हमारे बीच में उभर के आए हैं, जो गा गा कर कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जो काम करते हैं, मेरे कई बहुत विद्वान उसका विरोध करते हैं। विरोध मत करो, विरोध का जमाना लग गया, अब करना है तो समर्थन करो। कौन नहीं जानता जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अब निधन प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो उनकी शव यात्रा जब मुकुट वंदन जा रहे थे उसके साथ में महाकाश्यप भी थे, आनंद भी थे, अनुरुद्ध भी थे, बड़े बड़े भिक्खु थे, सारे पुत्र के मोगलान की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो ये सब याद रखो, जितने पावा नगरी के रहने वाले थे ना, वो सब गा बजाकर भगवान बुद्ध की अर्थी का स्वागत कर रहे थे। अरे जब बड़े बड़े महाथेराओं की उपस्थिति में बुद्ध के सम्मान में गायन हो सकता है, संगीत बज सकता है, तो आज विरोध करने का मतलब या तो हम अपना इतिहास नहीं जानते या कलाकारों की आलोचनाओं को बहाना ढूंढते हैं। इसलिए कलाकारों आपकी जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। यहाँ भाई गौतम जी बैठे हैं, अपना टीवी चैनल लेके आए हैं, और भी बच्चियां हैं, भाई मिलंदर भी आए हैं, और जितने भी हैं भैया, अब देख एक बात याद रखना, अब हम जगह जगह जाकर ये कह रहे हैं इन दुश्मनों के अखबार खरीदना और उन्हें पढ़ना बंद करो। ये अखबार हमारे घर में जहर परोस रहे हैं, हमारी पीढ़ियों का ब्राह्मणीकरण हो रहा है। तो अखबार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से हो रहा है। जब हम अखबार को ठोकर मारने का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे टीवी चैनल, हमारे पत्र पत्रिकाएं इस स्तर की हो कि हम जो अखबारों में मिलता है उसका जवाब दे सके। पाठक को सब प्रकार का सामग्री चाहिए, पाठक को इतिहास भी चाहिए, पाठक को विज्ञान भी चाहिए, पाठक को भाषा भी चाहिए, पाठक को आर्कियोलॉजी भी चाहिए। ये सब चीजें हमारे चैनलों के और पत्र पत्रिकाओं की कार्य सूची में होनी चाहिए। मैं भैया बड़ा समझदार हूँ, कैसे मैं जानता हूं कि सारे के सारे थक चुके हैं, और भाई मैं भी जितना बख्श सकता था बख चुका हूं। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए
इजाजत लेता हूं और अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं। और जिन्होंने मुझे यहाँ छोटे से अदने से कार्यकर्ता को बुलाकर एक सम्मानित स्थान दिया, मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अपना कर्तव्य ऐसे निभाते रहना, किसी लालच में नहीं, किसी सम्मान या पद या अवार्ड के लालच में नहीं। बाबा साहब का कर्ज तो उतार नहीं सकते, अपनी हड्डियों की माला बना के बाबा साहब के चरणों में चढ़ा दे तो उनका एहसान नहीं उतर सकता। हाँ, उनके प्रति हम मरते दम तक ईमानदार रहेंगे, ये हम जरूर कर सकते हैं और हम सबको ये करना होगा। आप बता दो, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। एक भी हाथ नहीं उठा, थोड़े से ही उठे हैं। ईमानदारी से करोगे तो दोनों हाथ उठाओ, जैसे मेरी बहनियां ये उठा रही है। तो मेरी घरवाली को छोड़कर मेरी बहन और मेरी बिटिया, मैं तो ये जो कनैनी अकबर वास साहब यहाँ, हमारी सास यहीं की थी, हमारी जो पत्नी है इसकी माँ यहीं की थी, इसलिए वहां उनका भी तगादा है। तो आप सबको जय भीम कह दूं। हेलो, अरे सिंह पुत्र हो, भीम पुत्र हो, भीम पुत्र आपकी आवाज से पता चलना चाहिए। अरे मैं तो तुमसे दुगनी दुगनी उम्र का हूँ, जब मेरी इतनी आवाज निकल रही है इसे मैं बंद कर दूँ। तुम कहो तो हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अंबेडकरवादी 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 हैं। जय भीम।